आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में पहली बार, मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है, इन परिवारों में पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक परिवार, कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी आपके लिए चुनाव के समय ही जिसकी याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा देश गौरव कर रहा है, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं, पूरा देश गौरवगान कर रहा है। आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए, आजादी के जंग का नेतृत्व किया, उनका पुण्य स्मरण आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमें गर्व है कैसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है। हमने उनका हक दिया है,